नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुसाई ग्रुप में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बेस्ट डिविडेंड स्टॉक अंडर 100 के ऊपर। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया कि बेस्ट डिविडेंड स्टॉक कौन कौन से हैं और साथ ही साथ बेस्ट डिविडेंड स्टॉक को फाइंड करने के कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं दोस्तों। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि मैम आप प्लीज बेस्ट डिविडेंड स्टॉक अंडर 100 के ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि ये बात हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए महंगे स्टॉक को बाय करना इतना इजी नहीं होता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में हम आपके लिए आपकी रेंज के बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक अंडर 100 के ऊपर टॉप 5 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 5 पर आती है दोस्तों NMDC कंपनी, जिसका पूरा नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड काफी अच्छा है। कंपनी पर ईयर कंटीन्यूअसली डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की तो NMDC कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में काम करती है दोस्तों। इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा भी हासिल है। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक आयरन और माइनिंग कंपनी है दोस्तों। ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में सबसे कम दाम पर आयरन और माइनिंग का काम करती है और फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ होने का पोटेंशियल भी रखती है दोस्तों। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल की तो मार्केट कैप है यहाँ पर 32,925 करोड़ का। करेंट प्राइस चल रहा है स्टॉक 112 रुपीज का। पीए रेशो है यहाँ पर 6.5% का। बुक वैल्यू है यहाँ पर 69 की। डिविडेंड यील्ड अभी तक कंपनी ने दिया है 13.11% का। ROCE है यहाँ पर 37.1% का। ROE है यहाँ पर 29.11% का और फेस वैल्यू है इसकी 1। अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में 60% की। साथ ही साथ कंपनी की बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, काफी हेल्दी यहाँ पर बैलेंस शीट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी हेल्दी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी है। चलिए बात करते हैं नंबर 4 कंपनी के बारे में। नंबर 4 पर आती है हमारे पर REC लिमिटेड कंपनी, जिसका पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड भी आप देख पा रहे होंगे, काफी पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड है। अगर बात करें लास्ट ईयर से लेकर अभी तक तो कंपनी कॉन्टिन्यूस अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की तो ये कंपनी इंडिया में पावर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस यानी लोन प्रोवाइड करती है दोस्तों, और साथ ही साथ ये इन पावर प्रोजेक्ट को काफी अच्छा प्रमोट भी करती है। आज इंडिया के दूर दराज के रूरल एरिया में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है दोस्तों, जिसके पीछे का सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पर REC कंपनी ने दी है। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल की तो मार्केट कैप है यहाँ पर 29,821 करोड़ का। करेंट प्राइस चल रहा है स्टॉक को 113 रुपीज का। पी रेशो यहाँ पर 2.98% का। बुक वैल्यू है यहाँ पर 210 की। डिविडेंड यील्ड है यहाँ पर 10.11% का। ROCE है यहाँ पर 9.09% का। ROE है यहाँ पर 21.11% का। फेस वैल्यू है स्टॉक की 10। अगर बात करें इसकी प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में 52.63% की। आप कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी काफी अच्छे हैं। आप चाहे तो आप इन स्टेटमेंट को वीडियो को पॉज करके भी अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते। चलिए बात करते हैं नंबर 3 कंपनी के बारे में। नंबर 3 पर आती है हमारे पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी। आप कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंपनी पर ईयर अपने शेयर होल्डर को काफी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है दोस्तों। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा भी दिया है दोस्तों। ये कंपनी भारत में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की रीढ़ की हड्डी भी कही जाती है दोस्तों। ये इंडिया की सबसे बड़ी NBFC होने के साथ साथ सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी है दोस्तों। यानी ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट पावर सेक्टर पर काफी फोकस कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है दोस्तों कि इंडिया के हर गांव शहर में 2400 घंटे बिजली मिले। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पावर फाइनेंस सेक्टर की मार्केट ट्रेडर कंपनी होने के नाते इस कंपनी में प्रॉफिट होना तो फिक्स है दोस्तों। यानी कि आप इसे लॉन्ग टर्म के व्यू से भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के व्यू से भी आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल की तो मार्केट कैप है यहाँ पर 38,624 करोड़ का। करेंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 146 रुपीज का। पी रेशो है यहाँ पर 2.68% का। बुक वैल्यू है यहाँ पर 290 की। डिविडेंड यील्ड अभी तक कंपनी ने दिया है 8.17% का। ROCE है यहाँ पर 9.38% का। ROE है यहाँ पर 21.2% का। फेस वैल्यू है स्टॉक के 10 और प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में 55.99% की। आप कंपनी की बैलेंस शीट भी यहाँ पर देख सकते हैं और साथ ही साथ कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। काफी अच्छी कंपनी में ग्रोथ हो रही है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 कंपनी के बारे में। नंबर 2 पर आती है हमारे पास CESC कंपनी।
कंपनी के डिविडेंड रिकॉर्ड की बात करें तो कंपनी पर ईयर अपने शेयर होल्डर को काफी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की तो कंपनी का पूरा नाम है कलकत्ता एनर्जी सप्लाई कॉर्पोरेशन। ये कंपनी संजीव गोयनका ग्रुप के अंडर में काम करती है दोस्तों। आई होप आपने इस ग्रुप का नाम भी सुना होगा, काफी फेमस है ये इंडिया में। ये कंपनी कोयल माइनिंग, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है दोस्तों। ये कंपनी 570 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ही काम करती है अभी, जो कि कोलकाता, हुगली, वेस्ट बंगाल जैसे एरिया तक फैला हुआ है। और साथ ही साथ ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया में भी फैलने का प्लानिंग कर रही है। इसके हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि कंपनी में ग्रोथ होना तो फिक्स है दोस्तों। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल की तो मार्केट कैप है यहाँ पर 9,246 करोड़ का। करेंट प्राइस चल रहा है यहाँ पर 69.8% का। करेंट प्राइस चल रहा है यहाँ पर 69 रुपीज का। पीई रेशियो यहाँ पर 6.9% का। बुक वैल्यू है यहाँ पर 82.0 की। और डिविडेंड यील्ड अभी तक कंपनी ने दिया है 6.46% का। आरओसी है यहाँ पर 12.8% का। आरओई है यहाँ पर 13.4% का। और फेस वैल्यू है यहाँ पर 1 की। अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में 52% की। आप कंपनी की बैलेंस शीट भी देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छी एक बैलेंस शीट यहाँ पे हमें शो हो रही है। अगर आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर फर्स्ट कंपनी की। नंबर फर्स्ट पर आती है हमारे पास IRFC कंपनी। इसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी। आप कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड देख पा रहे होंगे। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की तो ये कंपनी इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है दोस्तों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का मेजर रेवेन्यू रेलवे सेक्टर से आता है और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट इस सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के हर स्टेट, हर गांव तक रेल पहुंच सके, जिसके लिए ढेर सारे प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इस कंपनी में भी ग्रोथ होगी। इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन ये है दोस्तों कि इस सेक्टर की अकेली कंपनी है, मतलब इस कंपनी का कोई भी दूसरा कंपटीटर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल की तो मार्केट कैप है यहाँ पर 36,435 करोड़ का। करंट प्राइस है अभी स्टॉक का 27 रुपीज का। पी रेशियो चल रहा है यहाँ पर 5.59% का। बुक वैल्यू है यहाँ पर 33 की। डिविडेंड यील्ड है यहाँ पर 5 का। आरओसी है यहाँ पर 15.8% का। फेस वैल्यू है यहाँ पर 10 की। प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पर 86.36% की। अगर बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो आप देख पा रहे होंगे काफी हेल्दी यहाँ पर बैलेंस शीट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी काफी अच्छी है, मतलब मैं ये प्रिडिक्शन कर सकती हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी ये कंपनी काफी अच्छा स्टॉक साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक अंडर 100 के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ ऐसे क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक देख